छात्रों का ये आंदोलन चला है। छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर जो है कई मुद्दों को लेकर के है, मानते हैं कि रेलवे बोर्ड ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से ये छात्र आंदोलित हुए। देखिए निश्चित तौर पर गलती की है। देखिए पहला मुद्दा था डी ग्रुप, ये ग्रुप डी के अंदर 1,00,000 पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने ये कहा कि एक परीक्षा होगी और अचानक 24 जनवरी को एक नया आदेश निकाल दिया 2 साल के बाद, इसमें कह रहे कि 2 परीक्षा होगी। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो 2019 के विज्ञापन में आप उसका उल्लेख करते कि 2 परीक्षा लेंगे, तो स्वयं के कोई भी आक्रोशित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो पहली गलती रेलवे बोर्ड ने ये की। और अब कल जब मेरी मुलाकात हुई है अश्विनी वैष्णव जी से, तो वो भी सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, सब गरीब लड़के हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, उनके लिए 1 परीक्षा ही होगी। तो पहला विषय था डी ग्रुप की 1 परीक्षा का मुद्दा। दूसरा मुद्दा है NTPC, जिसमें करीब 35,000 पद है। रेलवे ने एक अच्छा निर्णय लिया था कि इस बार हम 15 गुना नहीं बल्कि 20 गुना हम रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक एक लड़के 3-3 जगह क्वालिफाई कर गए, चूंकि 5 लेवल की परीक्षा थी, तो जो एक लड़का अगर 3 जगह क्वालिफाई कर गया तो उसको 1 छात्र मानने के बजाय उसको 3 छात्र माना गया। परिणाम ये हुआ कि 20 गुना रिजल्ट के बजाय 11 गुना ही रिजल्ट प्रकाशित हो पाया। लड़कों की मांग थी कि 1 छात्र 1 रिजल्ट, अगर उस लड़के का 3 जगह भी नाम है तो 1 छात्र ही 1 रिजल्ट ही माना जाए, तो लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित हो सकते थे। तो कल जब अश्विनी वैष्णव जी से बातचीत हुई तो वो भी सहमत थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि और 3.5 लाख के लगभग रिजल्ट निकाले जाएंगे और 1 छात्र 1 रिजल्ट की जो उनकी मांग है उससे वो सहमत थे। तो देखिए 2 मुख्य मांग थी और इसमें भी कहीं ना कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की गलती कहूंगा मैं, जानबूझकर कोई उन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन जो भी कुछ उनका निर्णय हुआ उसका एक भ्रम पैदा हुआ, लोगों में आक्रोश और गुस्सा पैदा हुआ और लड़के सड़क पर चले आए। और देखिए ये 3.5 लड़के लीडरलेस है, उसमें बिहार सरकार से भी मैंने अपील की है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये 10वीं 11वीं 12वीं के पढ़ने वाले छात्र हैं, तो और ये इन पर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और फिर चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो और लोग हो, ये तो गुरुतुल्य हैं, इन्होंने तो जो गलतियां थी उसको उजागर किया और अगर ट्विटर पर ट्रेंड करवाया तो इसमें ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये था ABP न्यूज जो कि सुशील कुमार मोदी से पूछ रहे थे कि आपके क्या बात हुआ था रेलवे मिनिस्टर से और उन्होंने क्या बताया है। तो कल ही मैं आपको जानकारी दे दिया था, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से भी इनके द्वारा जानकारी दे दिया गया था। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप अपना पॉइंट वाइज बात रख सकते हैं। पॉइंट वाइज बात रखने का मतलब कि अलग अलग जो RRB है, अब लिंक भी आज 10 बजे से ही एक्टिव कर दिया है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर या रोल नंबर डालकर रख सकते हैं। जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी जो है चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पर भी बात हो, जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसमें किसी का काफ़ी नंबर बढ़ जाता है, किसी का काफ़ी नंबर घट जाता है और किसी का कुछ नहीं बढ़ता है, तो इस पर भी बात होना चाहिए। और जो आपको पटना के प्रमुख टीचर भी हैं वो भी गए थे, आपको जो महेंद्रू में गए थे RRB पटना और RRB मुजफ्फरपुर से भी जाकर मिले और अब तो फ्रेंडली हो चुका है। देखिए ये आंदोलन होना जरूरी था क्योंकि अलग अलग जो RRB थे वो पहले तानाशाही रवैया अपनाते थे, लेकिन अब आपको जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो गए हैं, टीचर फ्रेंडली हो गए हैं, तो अपना बात आप रख सकते हैं। वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिलेगा, फॉर्म भरकर अपना बात रख सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन का दूसरा बात, आपको EWS वाला सर्टिफिकेट का भी बात आप उठा सकते हैं कि आखिर उसमें कौन सा चाहिए। और करंट ईयर देखिएगा अलाउ भी कर देगा, अगर ज़्यादा लोग इस बात को उठाते हैं तो करंट ईयर EWS पक्का अलाउ होने वाला है। तीसरा में जो कि आपको प्रमुख बातें हैं, जो आपका रिजल्ट है वो 7 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, ये तो बात मान ही लिया जाएगा, साफ साफ बोल रहे हैं कि 3.5 लाख और रिजल्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा कट ऑफ जो होगा कैटेगरी वाइज नीचे आ जाएगा। चौथा ये है कि जो ग्रुप डी है इसमें जो CBT2 है इसे तो हटा ही दिया गया है क्योंकि इसी पर सबसे बड़ा बवाल हुआ था और एक NTPC वाला का, ठीक। फिर आपको 5वां पॉइंट यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होना है या एग्ज़ाम का कैलेंडर आप जारी कीजिए, कब समय पर आप एग्ज़ाम लीजिएगा, कब ज्वाइनिंग कराइएगा, मेडिकल का क्या डेट होना चाहिए, जैसे SSC जारी करता है मेरिट कब जारी कीजिएगा, इस पर होना चाहिए। 6वां पॉइंट देखिए, सभी बात पॉइंट वाइज आप मेंशन कीजिएगा, अपने अपने RRB जो है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी और भी आपका प्रॉब्लम है अगर मान लीजिए तो भी वहाँ पर साझा कर सकते हैं। और सभी जो कमेटी होगा ये प्रमुख रूप से कमेटी आपके प्रॉब्लम को ही देखने के लिए बनाया गया है, ठीक। बात तो आपको पहले ही माना जा चुका है, जो आपको रिजल्ट देना है या आपको जो ग्रुप डी में CBT2 है उसे हटाना, ये तो इसीलिए आंदोलन हुआ था तो ये तो मानना ही तय था। बस कमेटी के पर और भी बातें हैं जो बार बार उठाए जाते थे, RTI के माध्यम से EWS वाला पूछा जाता था, जिस पर इधर उधर से घुमाकर जवाब दिया जाता था अलग अलग RRB द्वारा, अब वो घुमाकर जवाब नहीं दिया जाएगा, अब काफ़ी RRB प्रेशर में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जो टीचर का कहीं ना कहीं जो केस हुआ, ये सभी वापस हो जाएगा। मैं तो आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि कोई भी भड़काया नहीं है, कुछ वीडियो पुराने वीडियो को बार बार लाकर ऐसा दिखाया जा रहा है और कुछ नेगेटिव लोग भी मिलेंगे
कि बोलेंगे ये बोल रहे हैं, ये फेकू हैं, ये हैं, वो है, फलना ढिकना, जो भी बोलना है बोलने दीजिए, आपका काम हो गया, आपके काम होने से मतलब था। 3 से 4 मार्च को आपका, उससे पहले भी कमेटी अपना रिपोर्ट दे सकता है, और मुझे पक्का 100% विश्वास है कि आपके पक्ष में ही आपको रिपोर्ट आने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद एग्जाम की प्रक्रिया भी शुरुआत किया जाएगा, एग्जाम क्योंकि आपको रिपोर्ट देगा तो उस समय यह भी बताया जाएगा कि कितने दिन में एग्जाम आपका पूरा करने वाला है, ये सभी प्रक्रिया आपको पूरा हो जाएगा। मैं न्यूज़ वाला कटिंग इसलिए दिखाया, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं बात किए होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, तो आप न्यूज़, अब नेशनल न्यूज़ से तो कोई झूठ बोलता नहीं है, ठीक। और ये देखिए, ये प्रेशर बन चुका है, इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था, एक जेपी आंदोलन के बाद इतना बड़ा छात्र का आंदोलन ये हुआ है कि लाखों करोड़ों लोग रोड पर उतरे और अपने हक की मांग किए और शांतिपूर्ण तरीका से मांग किए, कुछ उपद्रवी घुस गए थे लेकिन सभी शांतिपूर्ण तरीका से मांग हुए। आज बिहार बंद भी था, भारत बंद वाला ऐलान जो था वो भी आपको निष्क्रिय हो गया, क्योंकि जहां छात्र नहीं है वहां नेता लोग कुछ भी आपको अपना रोटी नहीं सेक सकते, इतना दिन से वो कर क्या रहे थे, इतना दिन से सपोर्ट में क्यों नहीं आते, इतना मिलियन ट्वीट हुआ लेकिन किसी का सपोर्ट में नहीं आना है, और अभी आकर किसी टीचर पर गंदे मतलब की कमेंट करना या किसी को बोलना कि वो बिक गए हैं, ये तो सरासर गलत है। हम आपका बहुत इज्जत करते हैं लेकिन ऐसा आपके आपसे स्टेटमेंट कोई लेता है या आप स्टेटमेंट देते हैं, ये इतना आपको तो मतलब नहीं करना चाहिए, इतना अपना सोच नहीं गिरा देना चाहिए। जब टीचर हक के लिए लड़ सकता है तो वो बिक नहीं सकता है, उसको भी ध्यान रखना है कि अपना जो संवैधानिक बॉडी है, अपना जो नेता है, अपना जो भी बड़े बड़े हमसे ऊपर है, अब उनसे ऊपर तो आप नहीं ना बन सकते हैं, कुछ बात तो समझना पड़ेगा। हक के लिए जो लड़ाई था, अगर आपका हक मिल रहा है तो आपको शांत बैठना पड़ेगा, ठीक। तो अभ्यर्थियों से यही है कि अच्छे से आपका मांग मान लिया गया है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, अगर कोई भी आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आज से ये रेलवे वाला काम खत्म, अब जो भी आपकी तैयारी हो उस तैयारी में लग जाइएगा, अब तैयारी वाला सारा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।